तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस में हर साल काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, तो ये बात भी काफी ऑब्वियस है कि वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज ब्रांडेड कपड़े भी डालते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि वो जितने भी कपड़े डालते हैं उन कपड़ों के ऊपर कभी भी किसी ब्रांड का बड़ा सा लोगो नहीं होता? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा कपड़ा डालें जिसके ऊपर उस ब्रांड का एक बड़ा सा लोगो हो, क्योंकि वो उस ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहते जो उनको स्पॉन्सर कर ही नहीं रहा। इसलिए बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट है वो ब्रांडेड कपड़े तो डालते हैं, लेकिन वो उस ब्रांड का कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं डालते जिसके ऊपर उस ब्रांड का एक बड़ा सा लोगो हो। तो दोस्तों, बिग बॉस में हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो हर दिन सुबह 8 बजे उठते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी बिग बॉस जो मॉर्निंग में अलार्म के तौर पे एक सॉन्ग चलता है वो कभी 9 बजे चलाते हैं, कभी उसे 10 बजे चलाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पिछली रात को जो टास्क चल रहा था वो कितने बजे खत्म हुआ है। अगर वो टास्क लेट खत्म हुआ है तो बिग बॉस भी अगले दिन उनको लेट उठाते हैं, क्योंकि बिग बॉस को उनको रेस्ट देना भी जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, टीवी पे हमें हर दिन यही दिखाया जाता है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो हर दिन सुबह 8 बजे ही उठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड का वार एपिसोड सैटरडे और संडे को आता है, तो हमें लगता है कि ये 2 दिन शूट होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीकेंड का वार का जो एपिसोड होता है सैटरडे और संडे का, ये दोनों एपिसोड एक ही दिन शूट होते हैं, और ये कभी दिन में शूट होते हैं या फिर कभी रात को शूट होते हैं, ये डिपेंड करता है कि सलमान खान साहब कब फ्री हैं। तो ये दोनों एपिसोड एक ही दिन शूट होते हैं, लेकिन बिग बॉस ने जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको ये कहा होता है कि एक एपिसोड के शूट होने के बाद वो अपने कपड़े चेंज कर ले, ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि ये दोनों एपिसोड 2 अलग दिन पे शूट हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है, उन्हें कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन वीकेंड का वार एपिसोड शूट होना होता है उस दिन कोई भी घर पे कुकिंग नहीं करता, क्योंकि उस दिन सारे जाने मेकअप करते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि उस दिन वीकेंड का वार शूट होना होता है, तो उस दिन कुकिंग करता कौन है? तो बेसिकली उस दिन कुकिंग कोई भी नहीं करता है। जितना भी खाना होता है वो बिग बॉस उन्हें प्रोवाइड करता है, और उसी दिन ही मेनली जितना भी घर में नॉन वेज खाना है वो उसी दिन ही आता है। वैसे किचन में सिर्फ वेज खाना ही पकता है, एग होता है, लेकिन कोई मीट वगैरह नहीं होता, सिर्फ एग ही होता है नॉन वेज में। तो बिग बॉस में जितना भी नॉन वेज खाना है वो वीकेंड के बार वाले दिन ही आता है, उस दिन ही बिग बॉस उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, काफी जाने में से ये पूछते हैं कि बिग बॉस में जो ऑडियंस बैठी होती है वीकेंड के बार वाले दिन, वो रियल होती है कि फेक? तो दोस्तों, उसमें कुछ लोग तो रियल होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें फेक होते हैं जो डेली वेजिस पे वहां पे आए होते हैं। तो बिग बॉस का क्रू ही उनको बताता है कि उन्होंने कब क्लैप करना है, कब उन्होंने हंसना है, तो उन्हें ये सारी चीजें पहले से ही बताई जाती हैं, और उसी हिसाब से बाद में उनको पैसा भी दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा कि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनमें से काफी सारे जाने बिग बॉस के घर में क्लीनिंग का काम करते हैं, कोई झाड़ू पोछे का काम करता है, कोई टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है, तो हर कोई कोई ना कोई क्लीनिंग का काम करता है। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस के घर में सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं है जो क्लीनिंग का काम करते हैं। जब ये कंटेस्टेंट रात को सो जाते हैं तो बिग बॉस क्या करता है, इनके बेडरूम में जो ब्लाइंड कर्टन्स होते हैं उनको नीचे कर देता है, ताकि कंटेस्टेंट्स कुछ भी बाहर का ना देख पाए। उसके बाद बिग बॉस के घर में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बाहर से अंदर आते हैं, वो जितना भी घर में कूड़ा वगैरह होता है उसे उठा के ले जाते हैं, और जितना भी मेजर क्लीनिंग का काम होता है वो सारा वो फिनिश करके रात को ही चले जाते हैं। तो बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट तो क्लीनिंग का काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा बिग बॉस के सफाई कर्मचारी भी क्लीनिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि बिग बॉस के घर में स्मोकिंग करना अलाउड है,
लेकिन स्मोकिंग के लिए एक अलग से कमरा बना होता है जिसके अंदर आप जाके स्मोकिंग कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठ के स्मोकिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ काफी लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस के घर में अल्कोहल भी होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिग बॉस के घर में सिर्फ आप स्मोकिंग कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी ड्रग्स या फिर अल्कोहल अलाउड नहीं होती। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही घर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कि अगर वो कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बिग बॉस का घर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको एक ह्यूज अमाउंट पे करनी होगी जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए होती है। मतलब अगर आप एविक्ट हो जाते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से घर को छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको लगभग 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उन्हें घर में आने के लिए कुछ अमाउंट दी जाती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनको हर हफ्ते की सैलरी भी मिलती है? जी हाँ, जितने भी सेलिब्रिटी हैं या फिर कॉमनर हैं उन्हें हर हफ्ते की एक अलग से अमाउंट दी जाती है। मतलब जितने हफ्ते के लिए वो बिग बॉस के घर में रुकेंगे उस हिसाब से उनको एक अलग अमाउंट दी जाती है। ये अमाउंट सबकी सेम नहीं होती, किसी को ज्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, ये डिपेंड होता है कि आप कितने बड़े स्टार हो। जैसे कि दोस्तों हमने देखा है कि पिछले सीजन में सीजन 11 में हीना खान सेकंड नंबर पे आई थी और विनर थी शिल्पा शिंदे, जबकि शिल्पा शिंदे की टोटल कमाई हुई थी 1.3 करोड़ और हीना खान की हुई थी 1.7 करोड़। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हीना खान की वीकली सैलरी शिल्पा शिंदे से काफी ज्यादा थी और यही एक कारण था कि शिल्पा शिंदे को जो 50 लाख रुपया विनर का प्राइस का मिला था, जितना भी मिला था उसे मिलाने के बाद भी उनकी टोटल कमाई हीना खान से कम रही। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि बिग बॉस का शो 3-3.5 महीनों तक चलता है और कंटेस्टेंट भी अपना सामान उसी हिसाब से लेके आते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट का सामान खत्म हो जाता है या फिर उन्हें किसी नए कपड़े की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में कंटेस्टेंट क्या करते हैं कि उन्होंने बिग बॉस को एक अपने फैमिली मेंबर का नंबर पहले से ही दिया होता है और वो बिग बॉस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी फैमिली से कॉन्टेक्ट करके उनका सामान मंगवा लें, और जब उनका सामान आ जाता है तो बिग बॉस वो सामान कंटेस्टेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार जो सामान आप घर के अंदर लेके चले गए उसके बाद आप अपना कोई भी नया सामान नहीं मंगा सकते।